खबर। पुलवामा हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान पर लगाई जा रही पाबंदियों और सेना को दी गई खुली छूट से घबराए पाकिस्तान ने अपने सीमा पर मौजूद 40 गांवों को खाली कर दिया है। साथ ही पाक नेता भारत से बातचीत करने के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं, ताकि बदहाली की मार झेल रहे पाकिस्तानी भारत द्वारा लगाई पाबंदियों के बाद बढ़ रही महंगाई से तंग आकर इमरान सरकार के खिलाफ बगावत ना कर दे। आइए देखते हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए एक के बाद एक कई पाबंदियां लगाई हैं, जिससे पाकिस्तान की कमर पूरी तरह टूट गई है। पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार ने सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा उससे छीन लिया। सूत्रों के मुताबिक भारत द्वारा मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वापस लिए जाने के बाद भारत ने सीमा शुल्क में 200% तक की वृद्धि कर दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से आने और जाने वाले खाद्य पदार्थों की सप्लाई लगभग पूरी तरह बंद हो गई है और इसका असर पाकिस्तान में दिखने भी लगा है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को ये भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है। उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए भारत से पाकिस्तान में जाने वाले अपने हिस्से के पानी को रोकने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। गडकरी ने कहा, पाकिस्तान जाने वाले पानी को मोड़कर कश्मीर और पंजाब को दिया जाएगा। इसके लिए रावी नदी पर शाहपुर कांडी डैम का निर्माण भी शुरू हो चुका है। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया गया था उसको वापस लेने का निर्णय आज सरकार ने किया है। भारत होने के बाद जो हमारे तीन नदियां पाकिस्तान को मिली थी, तीन भारत को मिली थी, हमारे तीन नदियों में अधिकार का पानी पाकिस्तान ले जा रहा था। अब हम उस पर भी तीन प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में ला रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि यमुना में पानी। पुलवामा हमले के बाद मोदी के कड़े रुख को देखते हुए पाकिस्तान ने डर के मारे अपने अधिकृत कश्मीर में कई गांव खाली करवा दिए हैं। साथ ही लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। यही नहीं, पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के पास लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी है। यही नहीं, पाकिस्तान ने POK के 127 गांव में अलर्ट जारी करते हुए LOC के पास बसे 40 गांवों को पूरी तरह खाली करवा दिया है। भारत के कड़े रुख के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब पाकिस्तान के नेता डर कर भारत से आतंकवाद के बारे में बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। और दूसरी चीज, जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। हम
टेंशन्स में, हम जो इस वक्त मुल्कों में जो एक बढ़ोतरी नहीं चाहते टेंशन्स में, हम उनमें कमी लाना चाहते हैं, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े वाजे तौर के ऊपर कल हिंदुस्तान को ऑफर किया है कि वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करें। अगर वो इस मामले के ऊपर मुज़ाकरात पे आना चाहें, हम मुज़ाकरात पे आने को तैयार हैं। और मुल्कों में मामलात ऐसे ही तय होते हैं, ये एक बचकाना बात है कि आप कहें कि इन मामलात को जो है वो हम अग्रेशन से जो है वो करेंगे। जाहिर है अग्रेशन हो तो पाकिस्तान में भी लोगों ने चूड़ियां तो नहीं पहनी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल जहां आतंक के आकाओं को संरक्षण देने और आतंकवाद फैलाने में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान देने तथा वैश्विक आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए दक्षिण कोरिया के सियोल में शुक्रवार 22 फरवरी को प्रतिष्ठित सियोल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार विश्व के तमाम देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की, ताकि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। दूसरा, आज जो हम मानव जात आतंकवाद के भयंकर संकट से गुजर रही है, आतंकवाद ने पूरी मानवता को ललकारा है, ऐसे समय महात्मा गांधी का संदेश मानवता की एकता का, मानवीय मूल्यों का, महात्म्य का और अहिंसा के माध्यम से, हृदय परिवर्तन के माध्यम से हिंसा के रास्ते पर गए हुए लोगों को लौटाने का आज भी विश्व के लिए मानवता की शक्ति पर बल देने का, मानवीय शक्तियों का एकत्र होने का संदेश आज भी उन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मानवतावादी शक्तियों को एक करने की प्रेरणा देता है।